हेलो क्लास, आज हम लोग पढ़ेंगे सैनिटरी फिटिंग्स के बारे में। ठीक है, तो सैनिटरी फिटिंग्स में एक बिल्डिंग में सैनिटरी फिटिंग्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, किसी भी बिल्डिंग के सैनिटरी फिटिंग्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं ड्रेनेज सिस्टम में, एक हाउस होल्ड में और बिल्डिंग में क्या क्या होती है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है वाटर क्लोसेट। ठीक है, द सैनिटरी फिटिंग्स इन विच द ह्यूमन एक्सक्रीटर इज डिस्चार्ज एंड कन्वेयर टू द सेप्टिक टैंक और अंडरग्राउंड सीवेज थ्रू ए ट्रैप इज नोन एज वाटर क्लोसेट। ठीक है, सैनिटरी फिटिंग जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटर जो है वो डिस्चार्ज होता है और पाइपलाइन के थ्रू या तो सेप्टिक टैंक या अंडरग्राउंड सीवर में जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं वाटर क्लोसेट। ठीक है, अब इस ये दो टाइप के होते हैं, एक इंडियन टाइप वाटर क्लोसेट होता है और एक यूरोपियन टाइप वाटर क्लोसेट। ठीक है, तो पहले हम लोग इंडियन टाइप का देखते हैं। इंडियन टाइप वाटर क्लोसेट, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ क्लोसेट द पैन एंड द ट्रैप आर मेड ऑफ प्रोपलीन। ठीक है, जो पैन और ट्रैप होता है वो प्रोपलीन से बना होता है। दिस टू आर असेंबल्ड प्रॉपरली एट द टाइम ऑफ लेइंग। ठीक है, जब हम लोग इसका इसको लगाते हैं तो इसको देखा जाता है कि ये प्रॉपर जो है वो लाइन कर रहा है। ठीक है, इन दोनों को असेंबल करके प्रॉपर लाइन करते हैं इसका। ठीक है, द क्लोसेट इज सेट अप एट द फ्लोर लेवल एंड पेयर ऑफ फुट रेस्ट प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड ऑफ द पैन। ठीक है, अब एक क्लोसेट जो है फ्लोर लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है और फुट रेस्ट जो है वो पैन के दोनों साइड प्रोवाइड करते हैं। द ट्रैप कंसिस्ट ऑफ द होल ऑन द टॉप ऑफ द कनेक्शन ऑफ एंटी साइफनस पाइप। ठीक है, और ट्रैप में एक होल होता है जो कि एंटी साइफनस पाइप से के टॉप से कनेक्टेड होता है। द लेंथ ऑफ द पैन वेरीज फ्रॉम 450 टू 475 एम एंड द वाटर सील वेरीज फ्रॉम 50 टू 75 एम। ठीक है, जो लेंथ होता है पैन का वो 450 एम से लेके 675 एम तक होता है। ठीक है, 450 एम से लेके 675 एम तक होता है और वाटर सील जो है वो 50 एम एम से 75 एम एम के बीच में होता है। एज शोन इन फिगर फ्लशिंग रिम इज प्रोवाइडेड एट द टॉप इंटीरियर सरफेस ऑफ फॉर फ्लशिंग द क्लोसेट विथ वाटर। ठीक है, फ्लशिंग रिम भी प्रोवाइड किया जाता है वॉल के इंटीरियर सरफेस पे। ठीक है, विच इज सप्लाइड फ्रॉम द फ्लशिंग टैंक और सिस्टर्न। ठीक है, जिसमें क्या होता है वाटर सप्लाई किया जाता है फ्लशिंग टैंक में। ठीक है, यह सिस्टर्न में। ठीक, द वाटर क्लोसेट इज कनेक्टेड टू द सेप्टिक टैंक। ठीक है, वाटर क्लोसेट जो है वो सेप्टिक टैंक से कनेक्टेड होता है और अंडरग्राउंड सीवर अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ सैनिटेशन या फिर सीवर से कनेक्टेड होता है। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का सिस्टम है सैनिटेशन का। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, ये लीवर है, ये फ्लशिंग सिस्टम है, ये वॉल से कनेक्टेड है। ठीक है, जब हमको वाटर पैन में छोड़ना होता है तो हम ये हैंडल को खींचते हैं। ठीक है, ये फ्लशिंग रिम है। ठीक, ये फुट रेस्ट है, ये फुट रेस्ट है। ठीक है, ये चैन है जो इससे हैंडल कनेक्टेड होता है और साइफनस पाइप है, ये एंटी साइफनस पाइप, और ये वाटर सील है जो सेप्टिक टैंक से कनेक्टेड होता है। ठीक, ये है इंडियन टाइप वाटर क्लोसेट। नेक्स्ट देखते हैं यूरोपियन टाइप। ठीक है, यूरोपियन टाइप में क्या क्या है। ठीक है, यूरोपियन टाइप वाटर क्लोसेट इसमें क्या क्या है, तो यूरोपियन टाइप वाटर क्लोसेट इज नोन एज कमोड सिस्टम। ठीक है, इसको कमोड सिस्टम भी बोलते हैं। दिस क्लोसेट इज मेड ऑफ प्रोपलीन एंड
शेप इज समहाउ ओवल, ठीक है, ये प्रोक्लिन से बना होता है और ओवल शेप का होता है। द ट्रैप इज प्लेस्ड इन सच ए वे सो दैट द स्क्रिट इज लाइकली डिस्चार्ज टू द वाटर सील, ठीक है, ये शेप इस तरीके का होता है ताकि ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है वो डायरेक्ट वाटर सील में जाए। द लेंथ ऑफ द पैन वेरीज 500 to 600 mm एंड डेप्थ वेरीज 300 to 350, ठीक है, जो लेंथ है पैन का वो 500 mm से 600 mm के बीच में होता है और जो डेप्थ होता है वो 350 mm से लेके, ठीक है, 350 mm से 400 mm के बीच में होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट द पैन इज सेट अप ऑन ए पेडेस्टल कंफर्टेबल हाइट, ठीक है, पैन जो है वो एक कंफर्टेबल हाइट पर सेट किया जाता है। द फ्लशिंग रिम इज प्रोवाइडेड ऑन द टॉप इनर सरफेस, ठीक है, जो फ्लशिंग रिम है वो इनर वॉल सरफेस पर प्रोवाइड किया जाता है। फ्लशिंग सिस्टम इज प्लेस्ड वेरी नियर टू द पैन, ठीक है, फ्लशिंग सिस्टम जो है वो पैन के काफी करीब होता है, ठीक, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ए होल इज प्रोवाइडेड एट द लेग ऑफ द ट्रैप कनेक्शन टू द सेप्टिक टैंक, ठीक है, एक होल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ट्रैप के लेग पे, ठीक, जो कि सेप्टिक टैंक से कनेक्टेड होता है। एट द ग्राउंड सीवर लाइन अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ सैनिटेशन, ठीक है, ग्राउंड सीवर अंडरग्राउंड सीवर लाइन से, ठीक है, ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, फिगर देखते हैं इसका हम लोग। ठीक है, ये क्लोज फ्लशिंग रिम है, ये कवर है उसका, ये हैंडल है, ये फ्लशिंग सिस्टम है, ठीक है, ये वॉल से कनेक्टेड है, ये एंटी साइफनिस पाइप है और ये कनेक्टेड है सीवर लाइन और सेप्टिक टैंक से, ठीक है, ये वाटर सील है, ये फ्लोर है, ठीक है, ये फ्लशिंग रिंग है, ये टोटल जो है वो यूरोपियन वाटर क्लोसेट है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। फ्लशिंग सिस्टम, ठीक है, फ्लशिंग सिस्टम वो होता है जिससे हम वाटर को ड्रॉप करते हैं पैन में, ठीक है, इसमें वाटर स्टोर किया गया रहता है जो कि एक फिक्स अमाउंट वाटर स्टोर करता है। जब भी हम एक बार इसको चलाते हैं तो फर्दर ऑटोमेटिकली इसमें वाटर जो है फिर से स्टोर हो जाता है, ठीक है, फ्लशिंग सिस्टम। ठीक है, द सिस्टम और टैंक विच इज इंस्टॉल्ड एवर द लेटरिन और द यूरिनल फॉर फ्लशिंग द वाटर इज नोन एज फ्लशिंग सिस्टम, ठीक है, जो लेटरिन या यूरिनल के ऊपर जो है इंस्टॉल किया जाता है ताकि वाटर जो है वो उसमें फ्लश किया जा सके, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लशिंग सिस्टम। इन केस ऑफ इंडियन वाटर क्लोजेट द सिस्टम इज मेड ऑफ कास्ट आयरन एंड इन केस ऑफ यूरोपियन वाटर क्लोजेट इट इज मेड ऑफ प्रोक्लिन, ठीक है, इंडियन वाटर क्लोजेट में ये सिस्टम जो है वो कास्ट आयरन का होता है और यूरोपियन का वाटर क्लोजेट में ये प्रोक्लिन का होता है। द सीआई सिस्टम कास्ट आयरन सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय चेन एंड हैंडल एंड द प्रोक्लिन सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय स्मॉल हैंडल, ठीक है, जो कास्ट आयरन सिस्टम है वो चेन और हैंडल से ऑपरेट होता है, ठीक है, और वहीं प्रोक्लिन सिस्टम जो है वो एक स्मॉल हैंडल से ऑपरेट होता है। द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम वेरीज 5 to 10 liters, ठीक है, अच्छा, सिस्टम की कैपेसिटी जो है वो 5 to 10 liters के बीच में होती है। द फ्लशिंग सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साइफन, ठीक है, जो फ्लशिंग सिस्टम है वो साइफन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है, ये फिगर है, अभी हम लोग इसको भी देखते हैं। ठीक है, 27.19 में ये फिगर फ्लशिंग सिस्टम का एक फिगर है। द फ्लशिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, नाउ अ डेज प्लास्टिक फ्लशिंग सिस्टम इज अवेलेबल, ठीक है, अब प्लास्टिक फ्लशिंग सिस्टम भी अवेलेबल हो गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको।
ये इनलेट है, वाटर यहाँ से इन होता है, ये लीवर है ठीक है, ये बेल है, ये एक लीवर है, ये पिवोटेड होता है यहाँ से ठीक है। फिर उसके बाद एक बॉल होता है जो फ्लोट करता है, जो बताता है कि हाँ अब टैंक फुल हो चुका है ठीक है। और ये चैन है और ये हैंडल है ठीक, ये ओवरफ्लो पाइप है ये ठीक है। और ये जो है ये वाटर क्लोसेट को जाता है ठीक है, ये पाइप जो है वो वाटर क्लोसेट को जाता है ठीक। इसमें एक प्लग लगा होता है, जैसे इस प्लग को ये टच होता है तो इनलेट से वाटर आना इसमें बंद हो जाता है ठीक है। फिर हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्या लगा होता है ठीक। ए बेल, इट इज प्रोवाइडेड ओवर द फ्लशिंग पाइप, इट इज कनेक्टेड टू द लीवर व्हिच इज ऑपरेटेड बाय चैन एंड हैंडल ठीक है। इसमें एक बेल पाया जाता है फ्लशिंग पाइप पे ठीक है, जो लीवर से कनेक्टेड होता है और जो चैन और हैंडल से ऑपरेट होता है ठीक है ठीक है। ये इसकी बात कर रहे हैं जो कि ठीक है लीवर और हैंडल से ऑपरेट होता है, चैन और हैंडल से ऑपरेट होता है। फिर उसके बाद क्या है लीवर, इट इज प्रोवाइडेड इनसाइड द सिस्टम, वन ऑफ विच इज कंसिस्ट ऑफ फ्लूट एंड द अदर एंड कंसिस्ट ऑफ द प्लग ठीक है। ये लीवर जो है वो सिस्टम के अंदर होता है, एक एंड जो है वो फ्लूट से कनेक्टेड होता है और अदर एंड जो है एंड प्लग से कनेक्टेड होता है ठीक है। ये लीवर जो है यहाँ पे वो प्लग से भी कनेक्टेड है ठीक है। आगे देखते हैं ओवरफ्लो पाइप ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड टू मेंटेन द डिस्चार्ज लेवल इन द सिस्टम ठीक है। ये किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, ताकि डिस्चार्ज लेवल जो है सिस्टम में मेंटेन किया जा सके ठीक। इनलेट पाइप, इनलेट पाइप क्या है, द माउथ ऑफ द इनलेट पाइप शुड बी सच दैट इट कैन बी क्लोज्ड एंड ओपनड बाय ए प्लग व्हिच मूव अप एंड डाउन विद द मूवमेंट ऑफ फ्लोट ठीक है। प्लग क्या है, वो इनलेट पाइप है जो क्या है वो ओपन और क्लोज होता है प्लग के थ्रू ठीक है, जो कि अप एंड डाउन मोशन करता है हाँ, किसके हेल्प से, मूवमेंट ऑफ फ्लोट की वजह से ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं यूरिनल, यूरिनल्स ठीक है। द सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्पोजल ऑफ यूरिन इज नोन एज यूरिनल ठीक है, वो सिस्टम जो यूरिन को डिस्पोज करता है उसको बोलते हैं यूरिनल। द बॉल टाइप यूरिनल इज कॉमनली यूज्ड एज व्हिच इज शोन इन फिगर 27.2। बॉल सिस्टम जो है वो कॉमनली यूज होता है, इट इज ओवल शेप, शेप बॉल मेड ऑफ प्रोक्लेन ठीक है। जो ओवल शेप का होता है बॉल वो प्रोक्लेन का बना होता है, इट इज फिक्स ऑन द वॉल एट ए कंफर्टेबल हाइट ठीक है, जो कि वॉल से फिक्स किया जाता है कंफर्टेबल हाइट पे ठीक है, कंफर्टेबल हाइट पे इसको फिक्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू एंड बोल्ट ऑन बोथ साइड ठीक है। स्क्रू की मदद से इसको वॉल पे फिक्स किया जाता है ठीक है। ए होल इज प्रोवाइडेड एट द टॉप फॉर कनेक्टिंग द फ्लशिंग पाइप एंड फ्लशिंग रिब ठीक है। एक होल जो है इस ओवल बॉल से कनेक्टेड होता है, जो कंट्रोल करता है फ्लश, जो कनेक्टेड होता है फ्लशिंग पाइप से और फ्लशिंग रिंग से ठीक। अनदर होल इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम फॉर कनेक्टिंग विद द सरफेस, द
ड्रेन और अंडरग्राउंड सीवेज। एक बॉटम में भी होल होता है जो सरफेस ड्रेन और अंडरग्राउंड सीवर से कनेक्ट होता है, ठीक है। इट इज कॉमन, द कॉमन साइज ऑफ द वॉल इज यूरिनल इज 45 सेंटीमीटर टू इंटू 37 सेंटीमीटर। जो कॉमन साइज है वॉल का वो 45 इंटू 37 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यह यूरिनल का फिगर, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, ठीक। तो अभी हम देखते हैं बाथटब, ठीक है। बाथटब, ठीक है। बाथटब क्या होता है? ए रेक्टेंगुलर बेसिन मेड ऑफ आरसीसी, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर बेसिन है जो आरसीसी से बना हुआ होता है, फिनिश्ड विथ मार्बल चिप्स और मार्बल ब्लॉक और एनी अदर टाइप अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द यूजर, ठीक है। जिसकी फिनिशिंग जो है वो मार्बल चिप्स, मार्बल ब्लॉक और अदर डिफरेंट चॉइस मटेरियल से बना होता है, ठीक है। ये यूजर के चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक। द साइज डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल चॉइस, साइज जो है वो इंडिविजुअल के चॉइस पे डिपेंड करता है। द साइड ऑफ द बेसिन आर मेड स्लोपी, ठीक है। जो साइड होता है बेसिन का वो स्लोपी होता है, ठीक है। जैसा फिगर में दिखाया गया है स्लोपी साइड होता है, ठीक है। द बाथ टब इज प्लेस ऑन द फ्लोर सपोर्टेड बाय फोर लेग्स, बाथ टब जो है वो फ्लोर पे रखा जाता है जिस जो चार लेग पे सपोर्ट किया जाता है जिसको। द वाटर इज सप्लाइड टू द टब थ्रू द वाटर टैब प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ द टब, ठीक है। और वाटर जो है वो किसकी मदद से इसमें फ्लो कराया जाता है? वो टैप के थ्रू फ्लो कराया जाता है, जो कि कहाँ लगाया जाता है? टॉप ऑफ द टब के, ठीक है, टब के टॉप पे लगाया जाता है, ठीक। द टब कंसिस्ट ऑफ वॉश आउट पाइप ऑन ओवरफ्लो पाइप, ठीक है। अब टब में वॉश आउट पाइप भी होता है और ओवरफ्लो पाइप भी होता है। बोथ द पाइप आर कनेक्टेड टू द सॉइल पाइप, ठीक है। दोनों पाइप जो है वो सॉइल पाइप से कनेक्टेड होता है, ठीक। द वॉश आउट पाइप कंसिस्ट ऑफ ए ट्रैप हैविंग वाटर सील, ठीक है। जो वॉश आउट पाइप होता है वो क्या होता है? वो ट्रैप से कनेक्टेड होता है जिसमें वाटर सील होता है, ठीक है, जिसमें वाटर सील होता है, सो दैट द फाउल स्मेल फ्रॉम सॉइल पाइप में नॉट इंटर द बाथटब, ठीक है। ताकि वाटर सील इसलिए लगाया जाता है ताकि जो भी फाउल स्मेल है सॉइल पाइप का वो बाथटब में ना आ सके। आफ्टर बाथिंग द होल वाटर इज डिस्चार्ज एंड फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड फॉर फर्दर यूज, ठीक है। बाथिंग के बाद पूरे वाटर को हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं और फ्रेश वाटर को फिल करके फर्दर यूज करते हैं, ठीक। ठीक है, ये है टैप, जिससे वाटर टैप है जिससे इस बाथ टब में वाटर को फिल किया जाता है, ठीक है। इसको बाथ टब बोलते हैं पूरे को, ठीक है। ये चार लेग पे सपोर्ट किया जाता है इसको, इस फिगर में दो लेग दिख रहा है, दो इसके पीछे है, ठीक है। चार लेग पे इसको सपोर्ट करते हैं और इसमें ट्रैप भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जिसमें वाटर सील भी होता है। वाटर सील इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो भी सॉइल पाइप का फाउल स्मेल है वो इससे बाथटब में ना आ पाए, ठीक है। एक वॉल भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, बैक फ्लो रोकने के लिए,
और एक ही ओवरफ्लो पाइप है। क्या होता है कि जब ये टब फुल हो जाता है तो वाटर जो एक्सेस इसमें जाता है वो टब से बाहर ना आके इस ओवरफ्लो पाइप के थ्रू सॉइल पाइप से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, ताकि जो बाथरूम हम जिसमें बाथटब रखा हुआ है उसमें वाटर ओवरफ्लो होने की वजह से बाथरूम में पानी ना आए या बिल्डिंग में पानी ना आए, ये ओवरफ्लो पाइप के थ्रू, ठीक है, ये ओवरफ्लो पाइप के थ्रू सॉइल पाइप से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये फिगर बाथटब का है। अब हम देखते हैं वॉश बेसिन। ठीक है, वॉश बेसिन, ठीक है। फिगर 22.27.2 टू शो द वॉश बेसिन, ठीक है, ये वॉश बेसिन का फिगर है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोक्लेन हैविंग डिफरेंट साइज एंड कलर शेप, ठीक है। ये प्रोक्लेन से बना हुआ होता है, अलग अलग साइज, अलग अलग कलर और अलग अलग शेप का होता है, ठीक है। टैप्स मे बी प्रोवाइडेड ऑन वन साइड और बोथ साइड, ठीक है। टैप एक साइड में भी प्रोवाइड किया जा सकता है और दोनों साइड में भी प्रोवाइड किया जा सकता है। इट इज फिक्स्ड ऑन द वॉल एट ए कंफर्टेबल हाइट विथ कास्ट आयरन स्क्रू एंड ब्रैकेट्स, ठीक है। ये वॉल पे फिक्स किया जाता है कंफर्टेबल हाइट पे, किसकी मदद से, कास्ट आयरन के स्क्रू की वजह से और ब्रैकेट की वजह से, ठीक। द माउथ ऑफ द आउटलेट पाइप कंसिस्ट ऑफ ब्रास और निकल ग्रेटिंग, ठीक है। जो माउथ होता है वो ब्रास या निकल की ग्रेटिंग से कवर किया जाता है, ठीक है। द वॉश बेसिन आर प्रोवाइड इन द किचन बाथरूम और अदर सम सुटेबल प्लेस फॉर वॉशिंग फेस माउथ हैंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं, किचन में, बाथरूम में और अदर सुटेबल प्लेस पे जहाँ पे हमको हाथ मुंह धोने होते हैं, ठीक है, ठीक है, फेस हैंड और माउथ को धोने होते हैं, वहाँ पे हम इसको प्रोवाइड करते हैं। द पेडिस्टल टाइप वॉश बेसिन रेस्ट ऑन द फ्लोर, ठीक है। पेडिस्टल टाइप जो वॉश बेसिन होता है, ठीक है, वो फ्लोर पे रेस्ट करता है, ठीक है। तो फिगर हम देखते हैं एक बार और, ये वॉश बेसिन का फिगर है, ठीक है। इसमें क्या है, ये वॉल है, वॉल से ये कनेक्टेड है स्क्रू से या ब्रैकेट से, ठीक है। इसमें एक टैब भी प्रोवाइड किया गया है जिसका माउथ है आउटलेट का, वो निकल या ब्रास से बनाया जाता है, ठीक है। और इसको कहाँ प्लेस करते हैं, किचन में, ठीक है, या बाथरूम में, या फिर ऐसे सुटेबल प्लेस पे जहाँ पे हमको रेगुलर यूज करना होता है, जैसे फेस को धुलने के लिए, हैंड वॉश करने के लिए, ठीक है, या ऐसे प्लेस पे जहाँ पे हमको इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। किचन में, बाथरूम में और कुछ और सुटेबल प्लेस पे इसको लगाते हैं। इसकी हाइट एक कंफर्टेबल हाइट तक रखते हैं ताकि जो भी ह्यूमन जाए, एक कॉमन हाइट का आदमी जाए तो वो इसको ईजिली यूज कर सके, ठीक है। तो अभी तक की क्लास में हम लोग ख़त्म कर चुके हैं प्लम्बिंग सिस्टम पूरा, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे थर्मल इंसुलेशन या कोई दूसरा टॉपिक देखेंगे। ये प्लम्बिंग सर्विसेज एंड सारे प्लम्बिंग फिटिंग्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। थैंक यू।